जनपद पंचायत गगेव रीवा हाल सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000 के अर्थदंड की सजा मिली है। आपको बता दें कि इन दिनों पंचायती राज के अधिकारियों की गृह दशा ठीक नहीं चल रही है। वसूलीबाज अधिकारी जहां रिश्वत लेते गिरफ्तार हो रहे हैं, वहीं पकड़े जाने के बाद जेल की हवा खानी पड़ रही है। दरअसल पूरा मामला लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय रीवा द्वारा 9/1/2023 को पारित निर्णय में आरोपी ऋषेश रावत तत्काल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गगेव जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपए का अर्थदंड तथा 13(1)(d) एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। ऋषेश रावत द्वारा शिकायतकर्ता देवदास द्विवेदी से ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत कराए गए कार्य से संबंधित बिल पास कराने के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत की मांग किए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय रीवा में दिनांक 7/5/2015 को चालान प्रस्तुत किया गया था। विशेष न्यायालय रीवा द्वारा विचारण उपरांत उक्त निर्णय पारित किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में रीवा नई गढ़ी जनपद सीईओ रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। इसके पहले जवा और त्योथर गगेव के अधिकारी लोकायुक्त के हाथ लग चुके हैं। इसके बावजूद राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी अपनी करतौत से बाज नहीं आ रहे हैं। बताइए कि तत्कालीन सीईओ के ऊपर कार्रवाई हुई है, किस तरह का मामला था न्यायालय में, क्या सजा? ये देखिए, 13/5/2014 को शिकायतकर्ता देवदास द्विवेदी, पिता सुखीनंद द्विवेदी, उम्र 37 वर्ष, निवासी जुनहा, तहसील जवा, ये क्या है, तब वहाँ पर सरपंच के ये पति थे, सरपंच ने, महिला सरपंच थी, उसने जो है तो प्राधिकार के तहत कार्य करने के लिए इनको अधिकृत करके रखा हुआ था। तो इन्होंने जो है तो अपने ग्राम पंचायत में जो है तो पशु सेट का कार्य कराया था, और इसके अलावा भी जो है तो कुछ है, पुराने बिल इनके पेंडिंग थे, सभी बिल उन्होंने जनपद पंचायत में सबमिट किया था, और इसके संबंध में जो है तो बिल को पास कराने के लिए जो है तो तत्कालीन जो आपके जनपद सीईओ थे ऋषेश रावत जी, तो उनको, उनसे उन्होंने संपर्क किया कि भाई हमारा जो है तो बिल जो है तो आप पास कर दीजिए, लगभग 9 लाख रुपए के आसपास था। तो सीईओ का ये कहना था कि भाई हमें जो है तो 5% के हिसाब से 45,000 रुपए आप दीजिए। इस पर देवदास द्विवेदी जी ने लोकायुक्त में पैसा देना नहीं चाहते थे, लोकायुक्त एसपी साहब के यहाँ जो है तो शिकायत की, और शिकायत की तफ्तीश की गई तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद जो है तो लोकायुक्त ने ट्रिप कार्रवाई की, और दिनांक 13/5/2014 को ट्रिप किया गया, और ट्रिप में जो है तो ये अपने सीईओ ऋषेश रावत अपने आवास में 40,000 रुपये लेते हुए पकड़े गए, और इसके पश्चात जो है तो मामले में वर्तमान में जो है तो सिविल लाइन थाना प्रभारी श्री हितेन्द्र शर्मा जी ने इसमें विवेचना की थी। विवेचना के पश्चात जो है तो चार्जशीट न्यायालय में पुटअप की गई। यहाँ पर जो है तो अभियोजन के द्वारा सभी साक्षियों को भलीभांति परीक्षित कराया गया, और उसके पश्चात जो है तो कल दिनांक 9 तारीख को, 9 जनवरी 2023 को श्रीमान विशेष न्यायालय लोकायुक्त श्रीमान मुकेश मलिक साहब के द्वारा जो है तो उन्हें दंडित किया गया। धारा 7 में इन्हें 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया, और धारा 13(1)(d)(f) एवं सपठित धारा 13(2) के अंतर्गत 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड दिया गया। कुल 4 वर्ष का जी, कुल 4 वर्ष की सजा? हाँ, एक धारा में 3 वर्ष का कारावास है, एक धारा में 4 वर्ष का कारावास है, दोनों सजाएं साथ साथ भुगती जाएंगी।